हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम बनाने और मारने वाले हैं दो विदर, नॉट विदर स्केलेटन्स बट विदर। सो बिफोर वी गेट इनटू दैट, अभी हमारे पास यहाँ पर गोल्ड फार्म भी बन चुका है, तो हमारे पास बहुत सारा गोल्ड है। इस सल्कर में मैंने बहुत सारे गोल्ड ब्लॉक्स फार्म किए हैं, तो इन्हें उठा लेते हैं। एंड ये शुगर, ये बैम्बू अब तक किसी ने निकाला नहीं, हमें ही निकालना पड़ेगा आई थिंक। तो इन बैम्बू से जो हमने स्कैफोल्डिंग बनाया और जो हमें जो गोल्ड ब्लॉक्स बनाए हैं वो इस पूरी दीवार पर लाइक डेकोरेट कर देते हैं। आर प्लान इज़ टू मेक दिस होल दीवार ऑफ मेड आउट ऑफ गोल्ड ब्लॉक्स एंड गिल्डेड वो सब, तो अच्छा लगे। एंड इसके बाजू में ऐसे सल्कर की वॉल रहेगी जो कि यहाँ पर ऑलरेडी बननी शुरू हो गई है। आई डोंट थिंक कि हम लोग और ऊपर सल्कर्स डालेंगे इससे ज़्यादा। सो या, लेट्स गेट इन द टाइम लैप्स ऑफ मेकिंग दिस वॉल। तो यहाँ पर मैं एक ही दीवार बनाने की सोच रहा था फुल गोल्ड से, लेकिन फिर मेरे पास बहुत सारा गोल्ड था एंड मैं ऐसे उड़ रहा था हवा में देखने के लिए थोड़ा सा दूर से कि कैसे लग रहा है। तो ये दोनों साइड पे जो गोल्ड वॉल्स है वो अच्छी लग रही है। मे बी वी विल एक्सपांड दिस साइड अ बिट मोर, बिकॉज यहाँ पर भी बहुत है ये साइड में। तो या मैंने ये साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली वॉल भी गोल्ड की कर दी है फुल, एंड पूरे डिटेल्स भर दिए ग्लो स्टोन्स एंड गिल्डेड ब्लैक स्टोन से। सो या, दिस लुक्स प्रिटी नाइस फॉर नाउ। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो इतने सारे बैम्बूज उगा के रखे हैं इन सबको काटते हैं, ये बहुत ही लैग देने वाला है। सो एक क्विक छोटा सा टाइम लैप्स देखते हैं इसको तोड़ देने का। तो यहाँ पर जैसे ही बाम्बू सारे निकाल दिए तो यहाँ पर एक दो चीज़ें रिवील होती है। दिस इज़ मेड बाय वीर एंड दिस इज़ मेड बाय रॉक। ये वीर ने ऐसे ही एक छोटा सा काइंड ऑफ तीनों के हॉर्सेस रखने के लिए जगह बनाया है एंड सैडल्स एंड स्टफ है यहाँ पर। इट लुक्स प्रिटी नाइस। फ्लोर और सीलिंग स्टोन का है बिकॉज इट इज़ मेड इन साइड अ माउंटेन, ये हम बाद में चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर रॉक ने ये चीज़ बनाई है, क्या बोलूँ इस चीज़ के बारे में। ये है एक हनी बी फार्म, यानी कि ये हनी प्रोड्यूस करता है ऑफकोर्स। तो इसका एंट्रेंस ही देखोगे ना, ये जो शल्कर बॉक्स है इसके ऊपर खड़े रह के ये शल्कर बॉक्स को ओपन करना है। एंड ये मैं आ गया यहाँ पर अंदर, सीधा अंदर। बट यहाँ पर अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही बस हम देखने के लिए आ सकते हैं कैसी चीज़ें काम करती है। यहाँ पर हनी कॉम्ब्स लगाए हैं, ये हनी प्रोड्यूस करते हैं इसके वजह से। यहाँ पर सीलिंग पे भी नाइस डेकोरेशन किया है और ये हनी कॉम्ब ब्लॉक से उसने डेकोरेट किया है।
लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मे बी आई थिंक बिकॉज ऑफ सर्वर लैग एंड सर्वर इश्यूज़। अंदर आते समय परफेक्टली आते हैं, लेकिन बाहर जाते समय या दैट हैपेंस। तो कभी कभी ऐसे ये ब्रेक करके फिर ऊपर आके यहाँ पर स्लैब प्लेस कर देंगे। ओके वेट, ये मैं गलत हिसाब से स्लैब प्लेस किया, फिर नाइस। तो यहाँ से जो जो भी प्रोड्यूस होता है वो हॉपर्स थ्रू यहाँ पर आ जाता है। जैसे देख सकते हो बहुत सारे हनी बॉटल्स, हनी कोम्स, एंड यहाँ पर भी सेम स्टफ है, हनी कोम ब्लॉक्स एंड स्टफ। ये दो ऐसे लीवर्स है रैंडम। सो या दिस इज़ वेरी नाइस। एंड ये काइंड ऑफ माउंटेन थोड़ा सा अनफिनिश्ड एंड वियर्ड लग रहा है, क्योंकि अंदर मस्त एकदम डेकोरेशन है एंड बाहर सिर्फ प्लेन स्टोन। तो आई थिंक आई फार्म दिस अ लिटिल मोर, एंड देन हमारे पास बहुत सारा, जब भी ये आ जाएगा हनी कॉम ब्लॉक्स, तभी हम ये माउंटेन को हनी ब्लॉक्स में, हनी कॉम ब्लॉक्स एंड हनी ब्लॉक से डेकोरेट कर देंगे। सो यहाँ पर हमारे जो तीन आर्मर स्टैंड है एकदम बीच में, ये तीन, इन्हें डिसाइड किया था हमने कि नेदरराइट में कन्वर्ट करेंगे। दैट टास्क वॉज टेकन बाय मी कि मैं इन तीनों आर्मर स्टैंड्स के जो आर्मर है उन सारे चीज़ों को नेदरराइट में कन्वर्ट कर दूंगा। एंड मैं लिटरली 5 स्टैक TNT के लेके गया नेदर में, एंड लुक व्हाट आई गॉट, एग्जैक्टली 13 नेदरराइट। और यहाँ पर हमें सिर्फ 12 नेदरराइट लगते हैं, बिकॉज 4 for each एंड 4 threes are 12। तो 13, एक एक्स्ट्रा बचता है हमारे पास एंड 2 स्क्रैप्स है। तो इस नेदरराइट इंगेट से इन आर्मर्स, पूरे आर्मर स्टैंड को कन्वर्ट कर देते हैं नेदरराइट में। एंड ऑफ कोर्स एज कैलकुलेटेड हमारे पास एक एक्स्ट्रा नेदरराइट इंगेट बच जाता है, तो ये हम ऐसे रख देते हैं यहाँ पर। एंड या दिस लुक्स वेरी ओवर पावर्ड, आई मीन। तो ये हम तीनों के बैकअप आर्मर्स रहेंगे, बट आई डोंट थिंक कि बैकअप आर्मर्स की ज़रूरत है, बिकॉज वी आर नॉट गोना लूज दिस आर्मर बिकॉज ऑफ ग्रेव्स। या ग्रेव्स आर ऑल्सो ओवर पावर्ड, सो मे बी इन नेक्स्ट सीजन वी विल रिमूव दैम। नेक्स्ट सीजन यानी कि 1.18 में। एंड ये जो यहाँ पर लैपिस ब्लॉक लगाया है वो हमने जो वुडलैंड मैंशन से इवो करके फेस के ब्रेन में से लिया था, वो लापिस ब्लॉक है ये। सो गो चेक दैट वीडियो आउट। तो यहाँ पर विदर समन करने का सारा सामान हमारे पास आ गया है, 6 विदर स्कल्स एंड सम सोल सैंड। लेकिन विदर समन, विदर फाइट से पहले यहाँ पर मैं ये जो काउज है उनसे मिल्क लेना चाहूँगा कॉज ऑफ विदर इफेक्ट। पहले मैं 3 विदर मारने की डिसाइड कर रहा था, लेकिन हमारे पास एक स्कल कम था, एंड वो जो तीसरा जो विदर है, आई हैव सम अदर फार्म प्लान्स फॉर हिम, सो आई विल बी यूजिंग हिम इन अ फार्म दैट यू विल बी सीइंग इन अपकमिंग एपिसोड्स। और अभी ये जो मिल्क है ये रख देते हैं, एंड ये जो शीप्स है इतनी सारी, सिर्फ 2 रखते हैं और सारी शीप्स को नीचे केव में लेके जाते हैं। वाई यू विल सी इन अ सेकेंड। तो ये जो बकरिया है मैं यहाँ पर इसलिए लेके आया हूँ, बिकॉज इफ अ वेदर किल्स अ मॉब, दैट मॉब्स ड्रॉप्स अ वेदर रोज। तो वो वेदर रोज काम की चीज़ है, लेकिन यहाँ पर इतने ही बकरिया है फिलहाल। तो देखते हैं कितने वेदर रोज मिलते हैं। मेन तो हमारा नेदर स्टार है, तो ये हम प्लेस करना शुरू कर देते हैं। लेट मी फर्स्ट चेक इफ आई हैव द प्रॉपर थिंग्स और नॉट। सो दिस कुड गो रियली बैड। यहाँ पर मैं कुछ पोर्शंस लेके आया हूँ फायर रेज और स्ट्रेंथ के, तो ये हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। एंड 1 2 एंड हियर वी गो गाइस, आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। अरे गलत लग गया, एंड बैंग विदर इज ऑन। तो पहले तो विदर का जो ब्लास्ट होता है उसके वजह से ये शीप्स मरेंगे एंड विदर रोज ड्रॉप करेंगे। So let's wait for that blast and bang, there it is. And ये वेदर मेरे पे टारगेटेड है, आई थिंक सो, आई थिंक ये शीप्स पे टारगेटेड है। वाओ, इसका बहुत हेल्थ कम कर दिया मैंने,
यहाँ पर मैं स्ट्रेंथ पीना चाहूंगा। वेट, वेयर डिड इट गो? ओ भाई इधर ही है, रुका ही है, इंतजार कर रहा है मैं बाहर कब आऊंगा मारने के लिए। ये आई थिंक हाफ हेल्थ हो गया है, अभी इसको एक्स से मारना पड़ेगा क्योंकि उफ आई एम विदर्ड। ही इज डूइंग डैमेज, आई एम ऑल्सो ओके। वाओ दैट व्हाट नाइस भाई, 30 सेकेंड्स का विदर। ओके आई गेस आई हैव टू मच ओपी स्टफ। ये रहा हमारा नेदर स्टार, एक नेदर स्टार मिल गया है हमें एक विदर को मारने पर। एंड वेर आर दे विदर? ओ ये रे विदर रोजेस, ये भी उठा लेते हैं इन्वेंट्री फुल। आठ विदर रोजेस मिले, नॉट बैड। एंड या दैट प्रिटी मच वॉज वन विदर। एंड हमें यहाँ पर और एक समन करके मारना है फॉर टू बीकन्स। या और थोड़े आई थिंक शीप्स लेके आते हैं एंड फिर उनसे और थोड़े वेदर रोजेस मिलेंगे। एक्चुअली हु केयर्स अबाउट द शीप्स, लेट समन अनदर वन। दैट वाज एक्चुअली सरप्राइजिंगली वेरी क्विक। तो यहाँ पर और एक वेदर, या वी आई डोंट नो वी हैव समथिंग गोइंग ऑन द सीरीज जहाँ पर हम सब चीज़ें दो दो करते हैं, दो मैंशन, दो ड्रैगन एंड नाउ दो वेदर। ई भाई सीधा मुंह पे, कितना सेकेंड का? ओ भाई ओके दैट्स बैड। स्टार्टिंग में वेदर इफेक्ट लग गया है। एंड इज ही ट्राइंग टू गो टू द सर्फेस? ओ शिट दिस कुड बी रियली बैड। खा लेता हूँ, रीजनरेट हो जाऊंगा। ओ आई एम वेरी वेरी ओके दैट्स बैड, दूध पीना पड़ेगा। नाउ स्ट्रेंथ मार देते हैं। ओके दिस इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। दिख जा गुड हेड्स, गुड हेड्स, वेरी गुड हेड्स। एंड आई थिंक ही इज ऑन हिज सेकेंड फेज, या नाउ ही हैज टू बी ऑन हिज सेकेंड फेज। यप नीचे आया, दैट्स हाउ यू नो इट। एक्स ओपी, एक्स फॉर द विन। और थोड़ा सा, इस बार मेरे पास मिल्क भी नहीं है, अगर मैं विदर हो गया तो भाई मरा। एंड देयर इट इज अनदर नेदर स्टार। भाई लेट्स गो, दो दो नेदर स्टार एंड एट वेदर रोजेस, दैट्स ऑसम। तो झट से या ऊपर जाते हैं एंड बीकन की तैयारी करते हैं गाइस, पार्टी लेट्स गो। इफ आई बिलीव करेक्टली यहाँ पर हमें बीकन बनाने के लिए ग्लास और ऑब्सीडियन लगेंगे। आई थिंक इट्स समथिंग लाइक दिस दिस एंड वाला, दैट्स माय टू बीकन्स। एंड अभी यहाँ पर जो बाहर वीर ने ये आयन का बनाया है, बिकॉज वी हैड अ लॉट ऑफ आयन, अभी भी है हमारे पास बहुत सारा आयन, बट आई वुड लाइक टू मेक दिस आउट ऑफ एमरल्ड्स। एंड यहाँ पर ऑफकोर्स एक और लेयर बढ़ानी पड़ेगी। सो या ये हमारा पहला बीकन लगा देते हैं एंड वॉच द अचीवमेंट। यप देयर इट इज, ब्रिंग द बीकन होम। सो यहाँ पर फिलहाल तो हेस्ट, आई हैव एमरल्ड, ओके व्हाई नॉट हेस्ट, या हेस्ट लेट्स गो। आई हैव परमानेंट हेस्ट अराउंड माय बेस नाउ, हेस्ट टू। वो भी इससे होता ये है कि ये जो स्टोन है इसे माइन करने में कुछ आधा सेकेंड तो लेता था, इस बार इट्स इंस्टा माइन, लेट्स गो। ओके डिस्ट्रक्शन, वाओ इट्स जस्ट इंस्टा माइन विद हेस्ट टू। एंड आई थिंक हेस्ट के साथ हम आई थिंक और एक ले सकते हैं क्या, रीजनरेशन ले सकते हैं क्या हम? यहाँ पर डाल के देखते हैं। एंड यप देयर इट इज, हेस्ट एंड रीजनरेशन। क्या हेस्ट चला जाएगा अगर मैंने रीजनरेशन लिया है तो? लेट्स सी जीरो, यप हेस्ट चला जाएगा एंड रीजनरेशन इन्फिनिट मिलेगा। या आई थिंक हम फिलहाल के लिए हेस्ट रखेंगे एंड देन इसे डबल बीकन कर देते हैं। वेट आई जस्ट रियलाइज कि ये दोनों भी इन्फिनिट है,
ओके देन आई गेस हमें दूसरा बीकन रेजिस्टेंस जम्बू या फिर स्ट्रेंथ के लिए चाहिए। तो अगर यहाँ पर हमें दोनों पर्सन के इफ़ेक्ट्स मिल ही रहे हैं तो दूसरे बीकन की ज़रूरत तो नहीं लग रही है। सो आई थिंक कि दूसरा जो बीकन है वो हम कहीं और लगा देंगे। फिलहाल ये बीकन भी यहीं पर रखते हैं, ये भी किधर और शिफ्ट कर देंगे एंड इसके ऊपर रेड लाइट डाल देंगे, रेड ग्लास, जिसके वजह से ये रेड हो जाएगा। सो या दिस लुक्स कूल फ्रॉम द डिस्टेंस एज वेल। अगले एपिसोड में आने से पहले ये बीकन शिफ्ट हो जाएगा मे बी ऊपर माउंटेन पे कहीं पर, तो या फिर अंडरग्राउंड नीचे। सो या आई थिंक कि इस एपिसोड में बहुत हमने प्रोग्रेस कर लिया है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंटिल देन पीस आउट।